टॉपिक में हमने मीडिया का मीनिंग, मीडिया का मीनिंग क्या है, मीडिया और टेक्नोलॉजी आपस में कैसे रिलेटेड हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी में प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ठीक है। डिफरेंट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, मीडिया की अलग अलग फॉर्म्स बनी। मीडिया एंड मनी कैसे रिलेटेड है, बिकॉज इट एक्ट लाइक अ बिजनेस हाउस। मीडिया एक बिजनेस हाउस की तरह काम करता है, मनी से रिलेटेड है, एडवर्टाइजिंग से अपनी मनी ज्यादातर ये बनाते हैं, ठीक है। सो इट अर्न्स मोस्ट ऑफ द मनी फ्रॉम एडवर्टाइजिंग ओनली। उसके बाद मीडिया एंड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के साथ ये कैसे रिलेटेड है मीडिया। डेमोक्रेसी क्या है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। सो मीडिया एंड डेमोक्रेसी में क्या रिलेशन है, डेमोक्रेसी क्या है, एक गवर्नमेंट की फॉर्म कि कौन सी गवर्नमेंट हमारे ऊपर रूल करेगी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में कौन सी गवर्नमेंट हमारे ऊपर रूल करेगी है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, 5 years के लिए रूल कर रहे हैं, हमने उनको इलेक्ट किया है, वी हैव इलेक्टेड देम टू रूल ओवर अस। सो आफ्टर दे आर बीइंग इलेक्टेड, सो नाउ they will, what will they do? They will rule over us, they will take decision for us, हमारे लिए decide करेंगे, और हमें कैसे पता चलेगा कि वो क्या decisions ले रहे हैं, through media, क्योंकि media हमें information provide करेगा, ठीक है। तो इसके लिए media को क्या होना पड़ेगा, media का role democracy में क्या है, important है ना। तो democracy में media को क्या होना पड़ेगा, responsible। मीडिया का रिस्पॉन्स रोल डेमोक्रेसी में क्या है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, ठीक है। इट हैज अ रिस्पॉन्सिबल रोल इन डेमोक्रेसी, तो उस अपने रोल को रिस्पॉन्सिबल प्ले करने के लिए मीडिया को क्या होना चाहिए, मीडिया शुड बी इंडिपेंडेंट, मीडिया को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट मीन इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनीवन, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, ये जो भी न्यूज हमें दिखा रहा है इट इज जस्टिफाइड, इट इज बैलेंस्ड, किसी के कंट्रोल में आके ये हमें कोई भी रिपोर्ट नहीं दिखा रहा, ठीक है, बैलेंस्ड रिपोर्ट दिखा रहा है, इंडिपेंडेंट है ना। गवर्नमेंट इसको कोई कंट्रोल कर रही है, अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई रिपोर्ट है तो वो भी दिखाएंगे, अगर किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर के अगेंस्ट रिपोर्ट है तो वो भी दिखाएंगे, किसी के इंडिपेंडेंट है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। अगर ये अपना रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको प्ले करना है तो इट शुड बी रिस्पॉन्सिबल, इट शुड बी इंडिपेंडेंट, और हमें जो भी ये रिपोर्ट दिखाए इट शुड बी बैलेंस, तो वो बैलेंस रिपोर्ट होनी चाहिए, है ना। यही है मीडिया का रोल डेमोक्रेसी में, इम्पोर्टेंट रोल तो हमने किया था, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है और उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे लोग एक्शन भी लेते हैं, यही हमने किया था रोल, इसके डिफरेंट पॉइंट्स है ना। सो अब मीडिया का रोल इम्पोर्टेंट है और इसी रोल में ही हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि मीडिया जो है ये अपना रोल इंडिपेंडेंटली प्ले कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है, कि वेदर मीडिया इज प्लेइंग इट्स रोल इंडिपेंडेंटली और नॉट। अब मीडिया जो है इसमें हमने दो न्यूज भी रीड की थी, दो न्यूज रीड की थी कि फैक्ट्रीज को क्लोज किया गया है, है ना, कि एक में प्रोटेस्टर्स दिखा रहे हैं कि कैसे प्रोटेस्टर्स ने सभी डिस्टर्बेंस क्रिएट की हुई है, और दूसरी रिपोर्ट में गवर्नमेंट की गलती को भी दिखाया गया है, दोनों रिपोर्ट्स देखी थी हमने, पढ़ी थी, है ना। तो उसमें एक तरफ हमें बायस फेवर दिख रहा था कि उसमें सिर्फ एक चीज का फेवर किया गया है, गवर्नमेंट का फेवर किया है, प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट बताया गया है, और दूसरी में दोनों की बैलेंस्ड रिपोर्ट हमें दिखाई गई, ठीक है। तो इट मींस मीडिया का ये काम है कि वो किसी के कंट्रोल में ना आए और हमें बैलेंस्ड रिपोर्ट दिखाए, ठीक है। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ मीडिया, मीडिया की ये वैसे ड्यूटी बनती है कि उसको अपना रोल इंडिपेंडेंटली प्ले करना है, लेकिन इंडिपेंडेंट मीडिया क्यों नहीं है, कई इसके ऊपर हमें कुछ मिलती है हिंड्रेंसेस, ठीक है। देयर आर टू रीजंस दैट
इट्स इंडिपेंडेंस वी कैन सी. अब आप खुद बताओगे कि वेदर मीडिया इज इंडिपेंडेंट और नॉट. ठीक है, मीडिया इंडिपेंडेंट है कि नहीं. सबसे पहले तो मीडिया के ऊपर कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट. गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर मीडिया. अब हमने कहा इसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि ये अपना रोल जो है इट शुड बी इंडिपेंडेंट सो दैट इट कैन प्ले इट्स रोल रिस्पॉन्सिबली एंड इट कैन प्रोवाइड बैलेंस्ड रिपोर्ट टू अस. यही हमने डिस्कस किया कि इसका इंडिपेंडेंट होना जरूरी है डेमोक्रेसी में ताकि ये हमें बैलेंस रिपोर्ट दिखाए. बट कैन वी से इट इज इंडिपेंडेंट? लेकिन ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं वो हम डिस्कस करेंगे कि वेदर मीडिया इज इंडिपेंडेंट. ठीक है, कि कैन वी से मीडिया इज इंडिपेंडेंट, हाउ कैन वी से मीडिया इज नॉट डिपेंडेंट और मीडिया इज नॉट इंडिपेंडेंट. ठीक है, और व्हाट आर द रीजंस for not independence of media, different questions can be. So, सबसे पहला तो government का control, कि government media को control करती है, कि media कुछ भी कोई भी news नहीं दिखा सकता. Media में different forms of communication है, तो कुछ भी media के ऊपर नहीं दिखाया जा सकता, government control करती है. ठीक है, so government, अब जैसे कि when government prevents either a news item, कोई न्यूज आइटम को वो प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट मतलब उस पर रोक लगा देती है टू शेयर विद द पब्लिक. ठीक है, गवर्नमेंट किसके ऊपर कंट्रोल लगाती है कि वेदर टू शेयर विद पब्लिक और नॉट, कि कौन सी चीज पब्लिक के साथ शेयर करनी है कौन सी नहीं. वेदर इट इज न्यूज आइटम, चाहे वो कोई न्यूज है. वेदर इट इज सीन्स फ्रॉम मूवी, कि हो सकता है कि मूवी का कोई सीन है जो एक पर्टिकुलर ग्रुप की फीलिंग को हर्ट कर सकता है. ठीक है, तो वो सीन को भी गवर्नमेंट मना कर सकती है कि ये नहीं दिखाया जाएगा. हो सकता है इसके बाद राइट्स वगैरह हो जाए या कुछ लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति हम कह सकते हैं कि फीलिंग्स हर्ट हो, तो वो नहीं दिखाई जाएगी चीज. ठीक है, एंड लिरिक्स फ्रॉम ए सॉन्ग, तो कुछ भी गवर्नमेंट कैन प्रिवेंट टू शेयर विद द पब्लिक. ठीक है, तो गवर्नमेंट प्रिवेंट कर सकती है पब्लिक के साथ शेयर करने के लिए, और इसको हम क्या कहते हैं? सेंसरशिप. ठीक है, कि गवर्नमेंट क्या लगाती है? सेंसरशिप, कि गवर्नमेंट प्रिवेंट करती है टू शेयर विद द पब्लिक. सो अब एक और भी इसमें एग्जांपल है, जैसे हमारी हिस्ट्री में 1975 से लेके 77 तक इमरजेंसी लगी थी पूरे इंडिया में. उस टाइम पर भी मीडिया के ऊपर प्रॉपर गवर्नमेंट ने मीडिया को सेंसर्ड कर दिया था, कंट्रोल कर लिया था कि मीडिया कुछ भी रिपोर्ट अपनी मर्जी से नहीं दिखाएगा. ठीक है, तो वो प्रॉपर कंट्रोल था मीडिया के ऊपर इमरजेंसी में. मतलब वहां पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसका ऑर्डर चल रहा था, डिफरेंट स्टेट की गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर नहीं था, और मीडिया तो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं दिखा सकता था. ठीक है, तो वो हो गया. अब ये क्या है, कौन कंट्रोल कर रही है मीडिया को? गवर्नमेंट. कैसे कंट्रोल कर रही है? थ्रू सेंसरशिप. इट कैन प्रिवेंट मीडिया टू शो और टू शेयर न्यूज और समथिंग विद पब्लिक विच इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक. ठीक है, हाँ जी. इमरजेंसी सिचुएशन, ये आप बड़ी क्लासेस में रीड करोगे कि जब कंट्री में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है तब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी, ये तो पता है ना कि स्टेट सेंट्रल लोकल गवर्नमेंट डिफरेंट पार्ट्स है ना, तो जो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है वो जो भी ऑर्डर करेगी वो सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को उसको फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, और उसके में कोई क्वेश्चन नहीं है, सारे डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन नहीं लेगी, वो बड़ी क्लासेस में रीड करोगे. अब इसको हमने नहीं देखना, बस ये है कि उस टाइम पीरियड में मीडिया के ऊपर कंट्रोल एस्टैब्लिश किया गया था, मीडिया वाज प्रॉपरली सेंसर्ड, मीडिया अपनी मर्जी से कुछ नहीं दिखा सकता था. ठीक है, तो ये चीज हमें क्लियर होगी कि मीडिया के ऊपर किसका कंट्रोल है? गवर्नमेंट. ठीक है, एक और चीज इसमें है कि अगर हम रियलिटी की थोड़ी बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो फिल्म्स इनको तो सेंसर करती है, लेकिन न्यूज आइटम्स पे प्रॉपरली सेंसरशिप नहीं लगा पाती है, जिसके वजह से
कई न्यूज़पेपर या न्यूज चैनल्स हमें बैलेंस्ड स्टोरी नहीं दिखाते, बैलेंस्ड रिपोर्ट हम तक नहीं पहुंचती है, ठीक है। सो दे फेल टू प्रोवाइड अ बैलेंस्ड रिपोर्ट, तो वो बैलेंस रिपोर्ट हमें नहीं दिखाती। अब इसमें एक और चीज है, मीडिया के साथ एक बिजनेस हाउसेस का भी कंट्रोल होता है। तो बिजनेस हाउसेस है, अब हमने देखा कि मीडिया क्या मनी के साथ लिंक है। मीडिया का अगर मनी के साथ लिंक है तो मींस मीडिया इज एक्टिंग लाइक अ बिजनेस हाउस। मीडिया भी एक बिजनेस हाउस है, ये भी अपना बिजनेस कर रहा है, इट इज मेकिंग मनी फ्रॉम एडवर्टाइजिंग। तो जो बड़े बड़े बिजनेस हाउस है जो मीडिया को एडवर्टाइजिंग दे रहे हैं, अगर उनके ही अगेंस्ट कोई न्यूज हो देन मीडिया विल नॉट शो दैट न्यूज। क्यों? क्योंकि वो मीट बिजनेस हाउस उनको एडवर्टाइजिंग देना बंद कर देंगे, है ना। तो इट मींस इन बिजनेस हाउस के साथ मीडिया की क्या है, क्लोज रिलेशनशिप है इनकी बिजनेस हाउस की मीडिया के साथ। तो अगर इनकी क्लोज रिलेशनशिप है तो इनका भी कहीं ना कहीं मीडिया के ऊपर कंट्रोल हो जाता है। क्लियर? एक तो गवर्नमेंट का कंट्रोल हुआ। सो दे शो ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी। कोई भी रिपोर्ट है तो वो दोनों तरफ की, जैसे हमने अभी एक रिपोर्ट पढ़ी अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो देश ओनली फोकस ऑन वन साइड ऑफ स्टोरी, ठीक है। वो सिर्फ स्टोरी की एक ही साइड के ऊपर फोकस करते। Show me your notebook. Why you are writing in points? I have to tell them, write the, draw the mind map. So these business house, they have close relationship with media. So due to their effect, if any news is against these business house, the media will not show that news. Media will focus only on one side of that story, one side of that report, जो उसके साथ link है, वो एक ही side हमें दिखाएंगे, दूसरी side पे वो focus ही नहीं करेंगे, ठीक है? तो it means media tends to focus only particular aspect of the story, because वो क्यों करना चाहती है? एक तो वो story को interesting बनाना चाहती है, they want to make the story interesting, ठीक है? Story को interesting बनाना चाहती है। इसमें कि government prevent media to share with public, government क्या कर रही है? प्रिवेंट कर रही है इसको मीडिया को कि वो पब्लिक के साथ शेयर ना करे। विच थिंग्स दैट अगेन वी कैन राइट इन पॉइंट्स विद न्यूज आइटम्स, एनी सीन्स फ्रॉम द मूवी, एनी लिरिक्स ऑफ अ सॉन्ग, सो इट कैन प्रिवेंट मीडिया टू शेयर देम विद द पब्लिक। सो दिस इज नोन एज सेंसरशिप, ठीक है। अब जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे, एक तो दो कंट्रोल हो गए, government control and business house, the close relationship. So it means they both, it means now we can say that media is independent. Can now we say that media is independent? No. Auntie, yes or no? Thank you.
media is not independent as government is also having control on the media and media is also under the control with business houses also due to their close relationship with business house in case of advertising kyunki unse humko kya mil rahi hai advertising theek hai advertising advertisements unko wahan se mil rahi hai ठीक है तो इसलिए गवर्नमेंट मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं है और इसी क्लोज रिलेशनशिप की वजह से दे आर फोकसिंग ऑन वन साइड ऑफ द स्टोरी वो स्टोरी की एक ही साइड पे फोकस कर रहे हैं दोनों साइड्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं तो इसी से हमारा नेक्स्ट टॉपिक सेटिंग एजेंडा उसके साथ ही हमारा वो टॉपिक जुड़ा हुआ है हाँ जी सो अब हमने पहले क्या बताया था कि दे विल शो बैलेंस रिपोर्ट कि वो किसी का फेवर नहीं करेंगे फेवर मींस ना तो वो गवर्नमेंट का फेवर करेंगे ना पब्लिक का किसी का फेवर नहीं करेंगे ठीक है ना गवर्नमेंट का ना पब्लिक का तो दोनों का ही वो फेवर नहीं करेंगे ठीक है सो अगर वो किसी का फेवर नहीं कर रहे इट मीन्स वो हमें क्या दिखा रहे हैं बैलेंस रिपोर्ट वो एक साइड में दिखा रहे दे आर शोइंग द बोथ साइड्स हम कैसे से कॉइन की बोथ साइड्स वो एक ही साइड नहीं दिखा रहे दोनों साइड्स दिखा रहे हैं जैसे एक स्टोरी अभी हमने न्यूज रीड की है उसमें सिर्फ प्रोटेस्टर्स का व्यू पॉइंट नहीं दिखाया गया गवर्नमेंट का भी दिखाया गया कि गवर्नमेंट ने डिसीजन क्या लिया क्यों लिया और अब वो क्या कर रही है प्रोटेस्टर्स तो प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है वो भी बताया गया दो रिपोर्ट्स देखी ना आपने अच्छी तरह से एक बार फिर उनको रीड करना ठीक है फिर आपको पता चलेगा कौन सी रिपोर्ट बैलेंस है कौन सी रिपोर्ट वन साइड है ठीक है अब मीडिया हमें क्या दिखा रहा है वन साइड जो इंटरेस्टिंग है वो ब्रेकिंग न्यूज बना के दिखा रहे हैं ठीक है और क्या हमें उसने दिखाना है क्या नहीं दिखाना है ये भी कौन डिसाइड कर रहा है मीडिया ठीक है तो मीडिया इज आल्सो सेटिंग द एजेंडा एजेंडा मींस कि नेक्स्ट व्हाट टू डू कि अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है ठीक है जैसे आज का एजेंडा हमारा क्या है हमने ये टॉपिक कंप्लीट करना है ठीक है तो एजेंडा मींस आज का हमारा काम नेक्स्ट हमने जो करना है तो मीडिया इज ऑल्सो सेटिंग द एजेंडा फॉर द पीपल कि मीडिया ही ये डिसाइड कर रहा है दैट व्हाट टू फोकस कि लोगों ने किसके ऊपर फोकस करना है किसके ऊपर नहीं करना है ठीक है सेटिंग एजेंडा मींस व्हाट टू फोकस कि आज लोग जो है वो किस न्यूज के ऊपर फोकस करेंगे ठीक है कि जो मीडिया हमें न्यूज दिखाएगा जो वो ब्रेकिंग न्यूज बनाएगा लोग उसी के ऊपर फोकस करेंगे जो छोटी मोटी जो हेडलाइन होगी लोग हेडलाइन के ऊपर फोकस करेंगे जो छोटी छोटी न्यूज है उनके ऊपर फोकस नहीं करेंगे ठीक है सो मीडिया ही ये डिसाइड करता है व्हाट टू फोकस तो सेटिंग एजेंडा कौन कर रहा है लोगों के लिए कि आज आपने किस पे फोकस करना है दिस न्यूज जो न्यूज वो बताएगा अब इसी में आपका ये जो पैराग्राफ है सेटिंग एजेंडा नेक्स्ट पैराग्राफ इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताया गया है कि मीडिया डिसाइड कर रहा है व्हाट टू फोकस बाय द पीपल तो इट मींस दैट इज सेटिंग द एजेंडा अब इस फर्स्ट पैराग्राफ को रीड करो ठीक है एंड देन टेल कि इसमें कौन सी न्यूज को फोकस किया गया है रीड एंड रेज योर हैंड I have told you to read, not to discuss. Yes, setting agenda mein. In setting agenda, this paragraph. Thank you.
हाँ जी बेटा, क्या बताएगा इसमें? लिसन, इफ यू हैव नॉट रेड देन लिसन। कि अगर आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन है तो वो न्यूज़पेपर की हेडलाइन नहीं बनती है, लेकिन अगर एनुअल फंक्शन में कोई चीफ गेस्ट मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर है देन इट मे बिकम द हेडलाइन। ठीक है, सो कोई सेलिब्रिटी भी हो तो इट मीन्स तो मीडिया वो डिसाइड करेगा ना कि आपको किसके ऊपर फोकस करना है। और इसी में एक और न्यूज नेक्स्ट पैराग्राफ में है, जैसे डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक्स हैं और उन कोला ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड्स ज्यादातर किस लेवल में ऐड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो न्यूज चैनल्स वाले या न्यूज़पेपर वाले वो रिपोर्ट नहीं दिखाते, बल्कि वो तो एडवर्टाइज कर रहे हैं उनकी डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक्स की, वो तो एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं ना, तो वो ये नहीं बताते कि उनमें पेस्टिसाइड्स का क्या लेवल है जो कि डेंजरस है हेल्थ के लिए, तो उस चीज पे वो फोकस नहीं कर रहे। तो ये भी कौन डिसाइड कर रहा है व्हाट टू फोकस, व्हाट इज द एजेंडा? मीडिया। ठीक है, और इसमें एक और एग्जांपल दी गई है, जैसे एक ही वीक पे दो न्यूज है, एक जगह पे एक क्या हो रहा है फैशन वीक। ठीक है, उसमें फैशन वीक है, अलग अलग ड्रेसेस का वहां पे हम कह सकते एग्जीबिशन है, और दूसरी साइड में स्लम एरिया को डिमोलिश किया जा रहा है, स्लम एरिया उसको डिमोलिश किया जा रहा है। तो हेडलाइंस न्यूज की क्या बनाई गई उस फैशन वीक की, बल्कि वो स्लम एरिया के डिमोलिशिंग में ही बनाई गई। ठीक है, इट मींस कि मीडिया ने डिसाइड किया कि किस न्यूज को उन्होंने फोकस करना है और किस न्यूज को नहीं। सेटिंग एजेंडा वर्ड क्लियर हो गया। सेटिंग एजेंडा मीन्स व्हाट टू बी फोकस्ड बाय द पीपल, व्हिच न्यूज टू बी फोकस्ड बाय द पीपल, और इन दिस वे इट सेट्स द एजेंडा। द मीडिया डिसाइड व्हिच न्यूज टू बी फोकस्ड एंड इन दिस वे इट इज सेटिंग द एजेंडा। ठीक है, और इसी में जो मीडिया है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया कि इट इज सेंसरशिप है, यहाँ पे बैलेंस रिपोर्ट ही पेश नहीं कर रहा। ठीक है, बैलेंस रिपोर्ट क्यों नहीं दे पा रहा है वो भी हमने डिस्कस कर लिया, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ बिजनेस हाउस और हाउ बिजनेस हाउसेस दे इफेक्ट ऑन मीडिया, बिजनेस हाउस का मीडिया के ऊपर क्या इफेक्ट है। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट है। इसके बाद हमने इसका फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन करना है। यहां तक कोई डाउट किसी को? हाउ मीडिया सेट्स द एजेंडा, हाउ मीडिया सेट्स द एजेंडा, यू कैन एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स आल्सो। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वेज मीडिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी। हाँ जी इधर आओ। It tells about the news and events in the country or government. It also tells the working of government. It provides information. On this information, people can take action or they can protest. Hanji, explain the points that he has explained. Hanji, aapke bol rahi. Explain. आपके साथ बोलो पॉइंट्स। हां जी प्रणव,
हाँ जी कृष्णा इधर आओ। यस सम्राट सम्राट स्टैंड अप एंड एक्सप्लेन द आंसर एनी पॉइंट। हाँ जी कृष्णा मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग न्यूज एंड डिस्कसिंग इवेंट टेकिंग प्लेस इन द कंट्री। सबसे पहले न्यूज इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द कंट्री, ठीक है, ये मीडिया का रोल है। हम रोल डेमोक्रेसी में कर रहे हैं, ये चीज याद रखनी है, सिर्फ रोल नहीं, रोल इन डेमोक्रेसी। आगे मैम दे कैन टेक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़ और स्टोरीज। उससे पहले हमने क्या बताया है, लोग एक्शन ले सकते हैं उससे पहले। हां जी और क्या पॉइंट हम बता सकते हैं, हाउ गवर्नमेंट इज वर्किंग, वी कम टू नो हाउ गवर्नमेंट इज वर्किंग, ये भी हमें पता चलता है। और पहले हम वी कम टू नो अबाउट गवर्नमेंट्स वर्किंग, देन दे मतलब पीपल, दे क्लियर होना चाहिए कि दे हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, दे गवर्नमेंट के लिए यूज कर रहे हैं या लोगों के लिए। ये भी पॉइंट इसमें आएगा कि नाउ पीपल दे विल टेक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू देम बाय मीडिया। जो मीडिया ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसके बेसिस पे पीपल विल डिसाइड विच एक्शन टू टेक, ठीक है। और कौन से पॉइंट इसमें आ सकते हैं, हाँ जी डिस्कसिंग, यस ये पॉइंट्स हो गया। हाँ जी और इन डेमोक्रेसी मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, ये सबसे पहले लाइन तो आपकी यही होनी चाहिए कि इन डेमोक्रेसी मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द रन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, एंड आफ्टर इलेक्टिंग व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग दैट वी कम टू नो फ्रॉम द मीडिया ओनली। तो ये पॉइंट्स आप इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। Yes, so in democracy, media should provide balanced report so that people can come to know about the working of government in a responsible manner, so that people can take further action according to that. Yeah. So second question में how the media sets the agenda, यही जो हमने अभी discuss किया है, ठीक है? In which way the media sets the agenda? और इसको डेमोक्रेसी में कैसे इसका इफेक्ट है, तो एग्जांपल इसमें हमने दो बताने हैं, ठीक है। इन ए डेमोक्रेसी इफ मीडिया इज नॉट प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट मिनिस्टर्स सो देन इट इज नॉट अ बैलेंस्ड रिपोर्ट। फॉर अ बैलेंस्ड रिपोर्ट मीडिया हैज टू गिव द करेक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्लियर। तो ये क्वेश्चंस आपने कंप्लीट करने हैं और इसके बाद नेक्स्ट हम ज्योग्राफिकल टॉपिक स्टार्ट करेंगे।